CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला विज्ञान गीत। इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से देखो बन गई सूचक। साथियों, क्या आपने अम्ल क्षार सूचक के विषय में सुना है? आइए इस गीत के माध्यम से जानें कि कैसे हमारे चारों ओर विद्यमान रंग बिरंगे फूलों से अम्ल क्षार सूचक बनाए जा सकते हैं। इन्हें बनाकर आप अपने आसपास उपस्थित पदार्थों की अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति के विषय में जान सकते हैं। क्यारी से मधुबन की फुलवारी से चुन चुन कर उठाए कुछ रंग बिरंगे फूल। ओ चुन चुन कर उठाए कुछ रंग बिरंगे फूल। कोई लाल कोई नीला, ओ कोई लाल कोई नीला, कोई गुलाबी बैंगनी, देखो कितने सुंदर दिखते फूल, देखो कितने सुंदर दिखते फूल। लेकिन डाली से बिछड़कर देखो कैसे मुरझा गए ये फूल, मानो कोस रहे हो खुद को कि किसी काम के नहीं रहे हम फूल। तभी तभी कुछ नन्हे हाथों ने इन्हें थामा, बर्तन में रखे पानी में एक फूल की पंखुड़ियों को डाला, डाल पानी में इन पंखुड़ियों को गरम कर इनका सत निकाला। सतरंगी पंखुड़ियों का पानी में, पंखुड़ियों का पानी में, पंखुड़ियों का पानी में, देखो कैसी मुरझा गई लाल पंखुड़ियां पानी में, लाल पंखुड़ियां पानी में, लाल पंखुड़ियां पानी में, लाल रंग के फूल ने देखो, लाल रंग के देखो कैसा बनाया लाल सत। फूलों की क्यारी से मधुबन के फुलवारी से, फूलों की क्यारी से मधुबन के फुलवारी से, गुलाबी रंग की पंखुड़ियां भी नहीं रही पीछे। तब अलग अलग फूलों का तैयार हो गया देखो सत, कोई लाल कोई गुलाबी तो कोई बैंगनी, हो गया सत। रंगीन सत की कुछ बूंदों को नन्हे हाथों ने धीरे से एक विलयन में तब डाला, अद्भुत चमत्कार जैसा समझ इसको सबने पहचाना। विलयन का बदल दिया सत ने रंग, किसी में हुआ हरा तो किसी में गुलाबी रंग। अलग अलग पदार्थों के विलयन ने दिया एक अलग जवाबी रंग। रंगों के इस खेल को देख सभी रह गए दंग, हाँ, रंगों के इस खेल को देख सभी रह गए दंग। किसने बदला कैसे बदला, ओ किसने बदला कैसे बदला, रंगों की ये भाषा कोई न समझ पाया, पड़ा बैंगनी फूल अब धीरे से मुस्काया। सोच रहा हो मानो ये चमत्कार मेरे अंदर भरे रंगों ने है कर दिखाया, गिला रहा ना शिकवा कोई शान से मुस्कुराया। मानो कह रहा हो पौध पे नहीं रहा तो क्या, मेरे अंदर भरे सूचक ने फिर भी कमाल कर दिखाया, अम्ल व क्षार के भेद को तुरंत बेनकाब कर दिखाया। बेनकाब किया हम सबने कैसे,
सोच सोच यही वो हर्षाया, सोच सोच यही वो हर्षाया। फूलों की क्यारी से मधुबन की फुलवारी से, फूलों की क्यारी से मधुबन की फुलवारी से, फूलों की क्यारी से मधुबन की फुलवारी से, फूलों की क्यारी से मधुबन की फुलवारी से। साथियों, इस गीत के माध्यम से आपने जाना कि रंग बिरंगे फूलों से किस प्रकार अम्ल क्षार सूचक बनाए जा सकते हैं। आपने अपने आसपास कई बार देखा होगा कि फूल क्यारियों में गिरे होते हैं। उन फूलों को इकट्ठा कीजिए और तैयार कर लीजिए एक सूचक। इस सूचक से आप पदार्थों की प्रकृति की जांच कर सकते हैं। तो है ना मजेदार कि रंग बिरंगे फूलों का उपयोग किस प्रकार सूचक के रूप में किया जा सकता है, है ना? अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, वाचन एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा, संगीत हरभजन सिंह, गायन स्वर अनुजा विसारिया, विनीत और बच्चे, ध्वनियांकन वटी लैंगडिंगडो, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया।